नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं ज्योतिष आचार्य सचिन कुकरेती नीलकंठ ज्योतिष चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का ज्योतिष का कार्यक्रम, आज की वीडियो बहुत महत्वपूर्ण रहेगी आपके लिए, क्योंकि एक सटीक जानकारी आपके सामने आज मैं लेकर आया हूं। दोस्तों, देव गुरु राशि परिवर्तन कर रहे हैं 6 अप्रैल से 14 सितंबर तक, मकर राशि से निकल रहे हैं, निचस्त राशि से निकल रहे हैं और कुंभ राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं 6 अप्रैल से लेके 14 सितंबर तक। तो जब देव गुरु राशि परिवर्तन करेंगे, इसका धनु राशि, मकर राशि और कुंभ राशि पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या आपको फल देखने को मिलेंगे, वो आज के हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। और दोस्तों, मैं आपको साफ सीधे बोलना चाहता हूं कि अगर आप बिल्कुल सच जानना चाहते हैं कि गुरु का राशि परिवर्तन क्या बदलाव लेकर आएगा, तो ही आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा, नहीं तो अभी आप इस वीडियो से बाहर भी निकल सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, आपने मुझे बहुत बार देखा होगा वीडियो में, मैं राशि के आधार पर एक सटीक जानकारी देता हूं आपको, समझाकर कि क्या आपको उसके फल मिलेंगे। दोस्तों, यहां पर देव गुरु मकर राशि से नीच की राशि से निकल जाएंगे, जहां पर वो शनि देव के साथ में बैठे हुए थे, अभी वो कुंभ राशि में चले जाएंगे। और आपको पता होगा दोस्तों कि देव गुरु की दृष्टि, जहां पर देव गुरु की नजर पड़ती है, वहां पर कहीं ना कहीं उस उनके फलों में वृद्धि होती है, यानी कि गुरु की दृष्टि का बहुत शुभ प्रभाव माना गया है। और देव गुरु के पास में ज्योतिष शास्त्र में सबसे ज्यादा कारक तत्व माने गए हैं, सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी देव गुरु के पास है, क्योंकि संतान के कारक, भाग्य के कारक, उच्च शिक्षा के कारक, गुरु ज्ञान के कारक, यहां तक कि पति के कारक और हमारा प्रोफेसर, हमारा एडवाइजर, टीचर, इन सब चीजों के कारक माने जाते हैं देव गुरु बृहस्पति। धन के कारक भी देव गुरु बृहस्पति को माना गया है। तो हम जानते हैं इन तीन राशि पर, जिनकी शनि की 7.5 भी चल रही है, तो अब क्या प्रभाव मिलेगा गुरु के राशि परिवर्तन का। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं धनु राशि की। दोस्तों, आपकी राशि से, धनु राशि से देव गुरु कहां पर गोचर कर रहे हैं, आपके थर्ड हाउस से, आपकी राशि से थर्ड हाउस से गुरु की दृष्टि कहां पर पड़ रही है, सबसे पहले तो आपके 7th हाउस पे, दूसरी दृष्टि पड़ रही है आपके 9th हाउस पे, और तीसरी दृष्टि पड़ रही है आपके 11th हाउस पे। जैसे मैंने कहा, गुरु की दृष्टि का बड़ा ही प्रभाव माना जाता है, 7th हाउस होता है आपके वैवाहिक जीवन का। इससे पहले दोस्तों, गुरु की दृष्टि कहां पे थी, आपके 6ठे घर में और 8वें घर में, ध्यान से समझिएगा, 6ठे घर में और 8वें घर में। 6ठा घर होता है ऋण रोग शत्रुओं का, और 8वां घर होता है रोग का, षड्यंत्र का, मृत्यु का और दुर्घटना का। यानी कि पहले आपके ये दोनों घर में वृद्धि हो रही थी, यानी कि आपके ऋण भी आपके ऊपर हावी हो रहे थे, आपके शत्रु आपके ऊपर हावी हो रहे थे, आपको रोग परेशान कर रहा था, यानी कि मानसिक तनाव मिल रहा था इससे पहले, और साथ ही साथ कोई आपको छोटी छोटी चीजों को लेकर परेशान कर रहा था और आपको हानि दे रहा था, और वैवाहिक जीवन में भी परेशानी हो रही थी आपके, और कहीं ना कहीं प्रेम प्यार में भी परेशानी हो रही थी। लेकिन अभी जब गुरु की दृष्टि आपके 7th हाउस में पड़ेगी, सबसे पहले तो आपकी डेली इनकम अच्छी हो जाएगी, आपके वो पार्टनरशिप में फायदा देखने को मिलेगा, क्योंकि 7th हाउस पार्टनरशिप का भी है। वैवाहिक जीवन में तालमेल में जो कमियां आ रही थी, उन सब चीजों को अच्छा बनाएंगे। क्योंकि दोस्तों, यहां पर खुद समझने का प्रयास कीजिए कि 7th हाउस पर दृष्टि और 7th हाउस वैवाहिक जीवन का, तो वैवाहिक जीवन को मधुर बनाएंगे, डेली इनकम का, तो डेली इनकम में फायदा देखने को मिलेगा। सूक्ष्म कर्म का माना जाता है 7th हाउस, यानी कि आपके कर्मों में, आपके कर्म क्षेत्र में वृद्धि देंगे यहां पे देव गुरु। साथ ही साथ दोस्तों, भाग्य पे दृष्टि है गुरु की, गुरु भाग्य के कारक, भाग्य पे दृष्टि, तो भाग्य में वृद्धि तो होगी ही होगी, स्वाभाविक सी बात है। ऐसा नहीं कि मैं बोल रहा हूं, यहां पे समझा के दिखाकर आपको बोल रहा हूं कि देव गुरु की दृष्टि भाग्य स्थान में है, तो धनु राशि वालों के भाग्य में वृद्धि होना निश्चित है। उसके बाद यहां से दृष्टि पड़ रही है आपके 11th हाउस में। 11th हाउस किस चीज का होता है दोस्तों? हमारे लाभ का, हमारे इनकम का, हमारे प्रॉफिट्स का, बड़े भाई बहन का, हमारी इच्छाओं का। तो जब गुरु की दृष्टि आपकी इच्छा वाले भाव पे पड़ रही है, जो भी आपकी डिजायर्स हैं, जो भी आपकी इच्छाएं हैं, काफी समय से आप सोच रहे हैं कि मैं ऐसा करना चाहता हूं, या मैं फिर ये चीजें परचेज करना चाहता हूं, मैं ये चीज खरीदना चाहता हूं, लेकिन काफी समय से आप वो चीज परचेस नहीं कर पा रहे थे और काफी अड़चने हो रही थी आपको, तो वो चीज आपकी पूरी होंगी, यानी कि 6 अप्रैल से लगा के 14 सितंबर तक कहीं ना कहीं जो आपकी इच्छाएं वो पूरी होती हुई देखी जाएंगी।
उसके बाद दोस्तों हम बात करें मकर राशि की, कैसा रहेगा गुरु का राशि परिवर्तन। आपकी राशि से, आपकी मकर राशि से गुरुदेव कहां पर गोचर कर रहे हैं दोस्तों? सेकंड हाउस में। सेकंड हाउस किस चीज का होता है? धन, कुटुंब, वाणी का, जैसा आप जानते हैं। गुरु की दृष्टि कहां पर पड़ रही है? जैसे मैंने बताया बहुत ही प्रभावशाली मानी जाती है गुरु की दृष्टि। कहां पर पड़ रही है? आपके सिक्स्थ हाउस पे, आपके एट्थ हाउस पे और आपके टेंथ हाउस पे। सिक्स्थ हाउस जैसा होता है ऋण रोग शत्रुओं का, एट्थ हाउस जैसे मैंने बताया होता है हमारी आयु का, आयु का विचार करते हैं दुर्घटना का और डीप नॉलेज का। सबसे पहले मैं कहना चाहता हूं छठे घर पे गुरु की दृष्टि सही नहीं है। मकर राशि वालों के लिए गुरु की छठे घर पे दृष्टि सही नहीं है, क्योंकि एक चीज बहुत क्लियर बोल देना चाहता हूं, ऋण रोग शत्रुओं से बचकर रहिएगा। अब जैसे मैंने बताया गुरु की दृष्टि जहां पर पड़ती है वहां पर वृद्धि करती है, यानी कि उन चीजों में वो भाव जो होता है, वो जो हाउस होता है वो एक्टिव हो जाता है। यानी कि ऋण रोग शत्रु पर दृष्टि पड़ रही है यानी कि वो अब बढ़ जाएंगे, यानी कि जो ऋण है वो कहीं ना कहीं मकर राशि वाले इस टाइम पे ले सकते हैं। इस टाइम पे आप कोई लोन ले सकते हैं, किसी से कोई ऋण ले सकते हैं, तो वहां पर थोड़ा संभल कर चलिएगा, ध्यान दीजिएगा, आपको पहले ही मैं अवेयर कर देता हूं। दूसरा, अपने खाने पीने की चीजों पर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि रोग वाला हाउस है ये छठा घर। और फिर शत्रु, यानी कि अपनी वाणी पर नियंत्रण बना के चलना होगा अब मकर राशि वालों को, क्योंकि दो त्रिक भाव की दृष्टि है छठे घर पर भी और आठवें घर पर भी। आठवां घर जैसे मैंने बताया होता है आपकी आयु का, दुर्घटना का, साथ ही साथ जो लोग कहीं ना कहीं हमें षड्यंत्र करते हैं, हमारे ऊपर षड्यंत्र करते हैं, उन चीजों का भी होता है, तो वहां पर ध्यान रखना है। लेकिन यहां पर गुरु की आठवें घर पर दृष्टि आपको डीप नॉलेज देगी। अगर आप कोई हायर एजुकेशन कर रहे हैं या फिर कुछ ऐसा काम कर रहे हैं कि जहां आपको कोई नॉलेज सीखने को मिलती है, वहां पर आपको ज्ञान बहुत अच्छा सीखने को मिलेगा, आपका ज्ञान इंप्रूवमेंट होगा। और साथ ही साथ दशम घर पे दृष्टि है किसकी? शनि और गुरु की। दोबारा से सुनिएगा, शनि की दृष्टि टेंथ हाउस में, गुरु की दृष्टि आपके टेंथ हाउस में, तो कहीं ना कहीं मैं कहना चाहता हूं ये आपके लिए बहुत बड़ा बदलाव रहेगा कैरियर को लेकर, क्योंकि दोहरी, दोनों की दृष्टि आपके टेंथ हाउस में बढ़ रही है, यानी कि कर्म क्षेत्र में फायदा होगा। अगर मकर राशि वाले काफी समय से अपने कैरियर को लेकर परेशान थे, अभी मैं कहना चाहता हूं 6 अप्रैल से लेकर 14 सितंबर तक नौकरी चेंज होगी, नौकरी चेंज होकर ही रहेगी, यह मेरी मैं गारंटी देकर कहता हूं आपको। अगर आप सर्च कर रहे हैं तो होगी होगी, और साथ ही साथ प्रमोशन मिलने की संभावनाएं 100% दिखाई दे रही है गुरु के राशि परिवर्तन से। कैरियर को लेकर बहुत अच्छा रहेगा, बिजनेस को लेकर बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन लव लाइफ को लेकर परेशानी में रहोगे आप, थोड़ा बहुत ध्यान दीजिएगा। हालांकि यहां पर मैं एक चीज और कह सकता हूं आपके आपके लिए कि घर परिवार में, आपके कुटुंब और परिवार में अब खुशहाली देखने को मिलेगी, क्योंकि गुरुदेव सेकंड हाउस में है। कुछ लोग मुझे ऐसा कहते हैं कमेंट में कि गुरुदेव जहां पर बैठते हैं वहां पर खराब ही करते हैं। दोस्तों ऐसा नहीं होता, हर जगह कारक भाव नाश है ये कहा गया है, लेकिन हर जगह ऐसा नहीं माना जाता। आपके लगन के अनुसार गुरुदेव कहां के मालिक हैं, कहां कौन सा भाव, कौन सा ग्रह उनको देख रहा है, यह भी महत्वपूर्ण माना जाता है। तो गुरुदेव आपकी राशि से सेकंड हाउस में, यानी कि धन, कुटुंब, वाणी में अब फायदा होगा। साथ ही साथ संतान की प्लानिंग कर रहे हैं तो वो अब यहां पर बहुत अच्छा देखने को मिलेगा मकर राशि वालों को। उसके बाद हम बात करते हैं कुंभ राशि की। बहुत ही बड़ा चेंज आने वाला है कुंभ राशि के जीवन में, बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है, क्योंकि आपकी राशि पर ही देवगुरु आ रहे हैं, चंद्रमा के ऊपर गज केसरी योग, चंद्रमा के ऊपर गुरु, और दृष्टि बहुत अच्छी जगह पर पड़ रही है गुरु की, आपके पंचम भाव पे, आपके सप्तम भाव पे और आपके नाइन्थ हाउस पे, बहुत ही अच्छी जगह पर दृष्टि पड़ रही है। क्योंकि पंचम भाव होता है दोस्तों संतान का, हमारे प्रेम प्यार का, हमारे एजुकेशन का, तो कुंभ राशि वाले के लिए संतान पक्ष को लेकर यह समय बहुत मजबूत रहेगा। कुंभ राशि के लिए बहुत बड़ा राजयोग है, क्योंकि संतान को लेकर बहुत बढ़िया रहेगा, शिक्षा को लेकर बहुत बढ़िया रहेगा, प्रेम प्यार में काफी समय से तालमेल में कमी हो रही है, प्रेम प्यार में काफी समय से तनाव चल रहा है, अभी वो सब चीजें ठीक हो जाएंगी। आपके वैवाहिक जीवन में प्रॉब्लम चल रही है वो सब चीजें सही हो जाएंगी, क्योंकि सेवंथ हाउस पे भी दृष्टि है। डेली इनकम में फायदा होगा, कुंभ राशि वाले काफी समय से परेशान थे, बहुत सारी चीजों को लेकर परेशान थे, ये गुरु का राशि परिवर्तन आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। हालांकि जन्म कुंडली दिखाना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि ये तो राशि के आधार पर है, लेकिन क्या पता आपकी जन्म कुंडली कैसी है, ग्रहों की क्या पोजीशन है, ग्रह कौन से भाव में बैठे हैं, तो वो भी दिखवाना बहुत जरूरी है, लेकिन ये राशि परिवर्तन आपके लिए बहुत अच्छा है। भाग्य में दृष्टि है,
बहुत अच्छा, भाग्य अच्छा हो जाएगा। काफी समय से रुकावटें आ रही हैं, अड़चनें आ रही हैं, चीजें पूरी नहीं हो पा रही, अभी पूरी होंगी। इससे पहले गुरु की दृष्टि कहां पे थी? जब गुरु मकर राशि में गोचर कर रहे थे तो दृष्टि कहां पे थी? आपके छठे घर में और आपके आठवें घर में, वो खराब था। ऋण रोग शत्रु आपके ऊपर हावी हो रहे थे, रिलेशन में प्रॉब्लम चल रही थी, लोग आपको नीचे गिराने की कोशिश कर रहे थे, कैरियर में फायदा नहीं मिल रहा था। अभी बहुत अच्छा फायदा देखने को मिलेगा, कुटुंब और परिवार का सपोर्ट भी बहुत अच्छा देखने को मिलेगा, लंबी यात्रा पे जाने का सुख भी बहुत अच्छा देखने को मिलेगा कुंभ राशि वालों को। तो दोस्तों ये बताया मैंने तीन राशियों के बारे में, धनु मकर कुंभ। कैसी लगी आपको ये वीडियो? लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, बने रहिएगा आप हमारे साथ।